अगर किसी के यहां जाते और रोज रोज मांगने जाते तो कोई ना कोई दरवाजा बंद कर लेते, रोज मिलता कुछ। पर हमारी माता ने और हमारे पिता ने एक ही बात, और हमारे गुरु ने भी हमको एक ही बात सिखाई कि 10 जगह जाने से अच्छा है एक परमात्मा के द्वार जाते रहे तो इज्जत जम जाए। कोई दूसरा बनाने वाला नहीं होगा, कोई दूसरा देने वाला नहीं होगा, कोई दूसरा करने वाला नहीं होगा। आप रोज किसी के यहाँ जाइए, रोज पति किसी के यहाँ जाकर बैठिए, पड़ोसी की दुकान पर रोज जाकर बैठ जाओ, आपकी इज्जत कम हो जाएगी, आपको कोई पूछेगा नहीं, आपको कोई जानेगा नहीं, और धीरे 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 कहेंगे काका जी, ए भैया जी थोड़ा सा उधर सर से बैठना, ए भैया जी थोड़ा ऐसा बैठ जाइए, ए भैया जी काका जी थोड़े दो घंटे बाद जाओगे क्या, ग्राहक ज्यादा है, भैया जी थोड़े एक घंटे बाद जाओगे क्या, अभी मेरे यहाँ पर मेहमान आए हुए हैं। मतलब आप रोज अगर किसी के यहाँ जा रहे हो तो तुम्हारी इज्जत घटने लगेगी, इज्जत गिर जाएगी, इज्जत समाप्त की ओर जाएगी, नीचे गिरती चली जाएगी। पर अगर आप रोज शंकर जी के मंदिर जा रहे हो आपको कोई नहीं पूछता, आपको कोई नहीं जानता, आप तो रोज मंदिर जाना चालू करो, प्रतिदिन मंदिर जाओ, एक लोटा जल लेकर शंकर भगवान को चढ़ाना चालू करो, और 20 दिन के अंदर हमको फोन लगाकर बताना कि मोहल्ले के 4 लोगों ने तुमसे पूछा कि नहीं पूछा कि कौन हो तुम, कहां से आए हो, क्यों जल चढ़ा रहे हो, कैसे चढ़ा रहे हो, उसका कारण क्या। तुम ऐसे रोज किसी के यहाँ जाओ तुम्हारी कोई इज्जत नहीं, कोई वैल्यू नहीं, रोज रोज जाओगे इज्जत घट जाएगी। पर रोज रोज मंदिर जाओगे, रोज रोज शरणागति में जाओगे, रोज रोज गुरु के द्वार जाओगे, रोज रोज गुरु की शरणागति में जाओगे, रोज रोज परमात्मा के दरवाजे पर जाओगे, भगवान की शरणागति में भोलेनाथ के चरणों में तुम रोज दरवाजे पर पहुंचोगे तो लोग तुम्हें पूछेंगे। वो एक लाइन अपन लोग हमेशा गुनगुनाते रहते हैं, मेरे भोले तेरी नौकरी सबसे बढ़िया है, सबसे करीब तेरे दरवाजे की चाकरी सबसे बढ़िया है, सबसे करीब मैं जब से तेरा गुलाम हो गया। इस लाइन को आप जरा ध्यान से सुनना, जब से तेरा गुलाम हो गया तब से मेरा हीना हो गया, जब से तेरा गुलाम हो गया तब से मेरा हीना हो गया, वरना वो बात क्या थी मेरी, वरना वो बात क्या थी मेरी, सबसे बढ़िया ये सबसे बढ़िया, भोले बाबा तेरी नौकरी सबसे बढ़िया ये सबसे बढ़िया, काशी वाले तेरी नौकरी आप रोज किसी के यहाँ जाएंगे इज्जत कम होती चली जाएगी, पर आप महादेव के चरणों में जाएंगे इज्जत बढ़ती चली जाएगी, इज्जत बढ़ेगी। स्वयं शिव महापुराण का, शिव महापुराण का संवाद कर रहा है, शिव महापुराण की कथा कर रहा है, शंकर भगवान का स्मरण कर, शिव कथा कर रहे, माता सती अपने पिताजी के घर पर पहुंची, और पिताजी के घर पर पहुंचकर माता सती जब पिताजी के घर पर पहुंचती हैं तो उनका सम्मान नहीं हो पाता, उनका आदर नहीं हो पाता, माता का आदर नहीं हुआ, सम्मान नहीं हुआ, सत्कार नहीं हुआ। जब आदर नहीं हुआ, सत्कार नहीं हुआ, सम्मान नहीं हुआ, तब माता सती क्रोध की अग्नि में यज्ञ कुंड में कूद कर अपने प्राणों को त्याग देती है, क्रोध की अग्नि कूद कर अपने प्राणों को त्याग देती है, और शिव का द्वार छोड़कर पिता के द्वार पर पहुंची। थोड़ा स्मरण रहे आपको इस चीज, भगवान देवदत्त महादेव का दरवाजा, ऐसा नहीं कि शिव नहीं समझाए, शंकर भगवान ने खूब समझाया माता को, भगवान शिव ने खूब कहा, माता सती को कहा जा रही है, क्या करोगे अपने पिता के घर जाकर, नहीं नहीं मुझे जाना है, मुझे पहुंचना है, और मैं वहां जाना, मैं वहां जाना चाहता हूं, क्या करोगे तुम जाकर,
क्या बस ठीक है, क्या करोगे जाकर? मेरे पिता ने भले मुझे ना बुलाया पर मैं जाना चाहता हूं। शिवजी ने पूछा, सती जिस दिन से तुम विवाह करकर मेरे साथ में आई हो, मेरा माताओं से निवेदन है, थोड़ा ध्यान से सुनना इस पावन कथा को और अपनी जिंदगी में उतारने का प्रयास करना इस कथा के माध्यम से। जिस दिन से तुम विवाह करकर आई हो सती, कुछ दिन रुकती हो और अपने पिता के घर चली जाती। बेटियों से निवेदन है, माता पिता ने कन्यादान कर दिया, तुम्हें विदा कर दिया, माता पिता से प्रेम रखो, माता पिता जिंदा हैं तब तक मायके आओ, मना नहीं है, आदर करो, सम्मान करो, उनके लिए तत्पर रहो, मना नहीं है, पर हर 15 दिन में, हर 2 दिन में, हर 8 दिन में ससुराल से दौड़कर मायके आ जाना, ये शिष्टता हमारे यहाँ नहीं है। थोड़ा लग जाएगा बुरा, कई लोगों को लग सकता है बुरा, बाद में आप हमारा विरोध भी कर सकते हो इस चीज के लिए कि तुमने कैसे कह दिया कि माता पिता के यहाँ नहीं जाना चाहिए, हम मना नहीं कर रहे, खूब जाओ। पर एक सीमितता, जब तक तुम्हारे हो, जब तक तुम्हारी शादी नहीं हुई है, जब तक तुम तुम्हारे हो, जब तक तुम्हारा विवाह नहीं हुआ है, तब तक तुम तुम्हारे माता पिता के हो, और विवाह करने के बाद आप जब पति के साथ में विदाई लेकर चले गए हो ससुराल, तो आप पति की आज्ञा के अनुसार, घर के विचार विमर्श के अनुसार, घर की सोच के अनुसार, घर के विचार के अनुसार हमें घर छोड़कर फिर अपने माता पिता के यहाँ जाना चाहिए। पर हर 2 दिन में, हर 15 दिन में श्रेष्ठ का निर्णय, क्या होगा उससे, होगा क्या? बार बार मायके जाओगे, भैया भाभी एक बार तुम्हारी बात की कीमत करेंगे, शादी के बाद तुम्हारे माँ बाप एक बार तुम्हारी बात की कीमत करेंगे, परिवार वाले एक बार बात की कीमत करेंगे, 2 बार करेंगे, 3 बार करेंगे, 4 बार करेंगे, उसके बाद तुम्हारी बात की कीमत होना जब बंद हो जाएगी, तुम्हें पूछना जब बंद कर दिया जाएगा, तुम्हारे बात को कोई मानेगा नहीं, तो मन किसका दुखेगा? बोलो जरा जरा, बोलो, माता पिता का मन दुखेगा कि भाई बंधु का मन दुखेगा कि मित्र सखा का मन दुखेगा? किसी का नहीं, मन केवल तुम्हारा दुखेगा कि मैं मेरे मायके आई और मेरी बात नहीं मानी, मेरे भाई ने, मेरी भाभी ने, मेरे भतीजे ने, मेरे पापा ने, मेरी मम्मी ने मेरी बात नहीं सुनी, मेरी माता ने मेरी बात नहीं सुनी, मेरे पिता ने मेरी बात नहीं सुनी, तुम्हें क्रोध आएगा, क्रोध आएगा, तो तुम मायके में कोई संकल्प ले लोगे, आज के बाद मुझे आना ही नहीं, तो 10 एक बार जो निर्णय लेने वाली हो कि आज के बाद तुमसे बात नहीं करूंगी, आज के बाद मैं तुम्हें कोई अकल नहीं दूंगी, आज के बाद तुम्हारे मामले में बोलूंगी नहीं, तो ये सब बोलने की जरूरत ही नहीं पड़े, इसलिए हर 8 दिन में तुम मायके जाओ, मत 1-2 महीने में जाओगे, 4 महीने में जाओगे, आदर भी बनेगा, इज्जत भी बनेगी, सम्मान भी बनेगा। कई जमाई लोग अगर यहाँ बैठे होंगे तो आज बड़े खुश हो रहे होंगे, बड़े प्रसन्न चित्त हो रहे हैं, गुरु जी ने हमारे पक्ष की कथा कही, पर हमारा निवेदन केवल इतना सा है कि हमें ना जमाई से मतलब है, ना बेटी से मतलब है, हमें तो केवल आपका सम्मान, आपका इज्जत, आपका जो सम्मान है उससे मतलब है, अपनी वाणी का सम्मान होना चाहिए, अपनी वाणी का। रोज किसी के यहां जाओगे तुम, माता सती से भगवान शिव कह रहे हैं कि सती कहां रोज रोज जा रही है, अभी तो रही थी माता सती, जिस दिन से विवाह कर भगवान भोलेनाथ जी के साथ में आई हैं, उस दिन से माता सती भगवान शंकर का द्वार छोड़कर बार बार दक्ष प्रजापति के यहाँ जा रही है, हर थोड़े दिन में माता सती पहुंच जाती है, हर थोड़े दिन में माता सती पहुंच रही है, भगवान शिव केवल माता सती को एक बार नहीं समझाए, भगवान शंकर ने माता सती को बारम्बार समझाया, सती मत जाओ, सती मत जाओ, हर बार भगवान शंकर समझाते हैं, पर सती तो सती थी, जिद अड़ी थी, क्यों? क्योंकि राजा दक्ष प्रजापति की बेटी थी, कोई साधारण थी। कई बार जिद हमारे सामने आकर खड़ी हो जाती है, क्या खड़ी होती है? जिद, जिद, ये अदालत में जितने तलाक के केस चल रहे हैं ना, अदालत में जितने भी तलाक के केस चल रहे हैं और जितने भी बहुत सारे केस चल रहे हैं, आधे से ज्यादा केस केवल 24 घंटे में समाप्त हो जाएं अगर आप राजीनामा करना सीख लो तो। राजीनामा तब होता है जब कोई अपने जिद को छोड़ देता है,
जब तक जित पर अड़े रहो। घर के लोगों ने कह दिया, तू टेंशन मत ले बेटा, तुझे चिंता करने की जरूरत नहीं है, इसको तो ऐसा मजा चखाएंगे, इसको तो ऐसा मजा चखाएंगे कि ये जिंदगी भर याद रखेगा। लड़के वाले कहते तुम चिंता मत करो, इसको ऐसा मजा चखाएंगे कि ये जिंदगी भर याद रखेगी। सब चक्कर छोरा वाला कह रहा है हम इसको मजा चखा देंगे, छोरी वाले कह रहे हैं इसको मजा चखा देंगे, पर ये नहीं समझ रहे कि तुम्हारे शादी हुई, शादी के 4 साल बाद तुम अदालत पहुंच गए। अरे जरा विचार करो, 28 साल में, 29 साल में, 25 साल में, 22 साल में तुम्हारी शादी हुई है और 5 साल तुम अदालत का केस लड़ते लड़ते निकाल दोगे। कितने साल हो गए जरा जम के बोलो रहे? अगर 25 साल में शादी हुई, अदालत में 2-4 साल तुम रहे, उसके बाद अदालत में पहुंच गए, 5 साल, 6 साल, 7 साल, 8 साल तुमने अदालत में निकाल दिए, 35 साल, 40 साल के तो तुम वैसे हो गए। 35 साल के होने के बाद फिर दूसरा लड़का ढूंढ रहे, फिर दूसरी लड़की ढूंढ रहे कि अब शादी करना है, लड़के के लिए लड़की के लिए लड़का लड़की होने जा रहा है। 40 साल के हो गए, 42 साल के हो गए, 45 साल के हो गए, ढूंढते 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 और मालूम पड़े 45 साल के बाद फिर शादी हुई और शादी होने के बाद फिर वही चंद्र घंटा और जगदम्बा मिल गई और शादी होने के बाद वही वापिस सिंदूर चढ़ा हुआ भेरू मिल गया। तो अब क्या करोगे तुम? तुम विचार करो, जरा विचार करिए। जिद को छोड़ो और जिद छोड़ने के बाद में अदालत में खड़े होकर राजीनामा करने का प्रयास करो कि हम राजीनामा करना चाहते हैं, हमें जिद नहीं करना, हमारे 10 साल चले जाएंगे, कितने साल की जिंदगी है, क्या लड़कर मर जाएंगे? अपनी जिंदगी कब जिएंगे? फुल एंजॉयमेंट अपने जीवन को हम कब जिएंगे? केवल टेंशन लेकर आधी रात को इसको भी नींद नहीं आ रही, आधी रात को इसको भी नींद नहीं आ रही, वो भी बेचैन, ये भी बेचैन, टेंशन में पूरी जिंदगी निकल रही है और माता पिता भी चिंता में, उनके भी इनके भी पूरी जिंदगी ऐसे निकल रही है। हमने राजीनामा करा ही था, हम राजीनामा से वंचित केवल जिद के चक्कर में। इसको कोई आता है जब ये सोचती है कि मैं राजीनामा कर लूंगी, वो सोचता है मैं राजीनामा कर लूंगा, इतने में कोई फिर आ जाता है और आकर फिर आग लगाकर चले जाता है, फिर कोई आता है फिर आग लगाकर चले जाता है और मालूम पड़े सोच कर गए थे, विचार कर गए थे कि अब थोड़ी सी जिंदगी बची हुई है, इस जीवन को मुझे अच्छे से जीना है, इस जिंदगी को मुझे श्रेष्ठता में जीना है, इस जीवन को मैं खुश होकर जीऊंगी और अपना जिंदगी बहुत मस्त होकर जीऊंगी। मालूम पड़े 8 साल, 10 साल, 5 साल, 6 साल, 7 साल केवल अदालत के चक्कर काट काट कर जिंदगी निकाल दी और थोड़ा वो समय बचा तो मालूम पड़े मुंडा का सारा सोफा सेट नीचे गिर गया, खिड़कियां खराब हो गई, दिखे भी नहीं सुने भी नहीं, हाथ भी दूजे पांव भी दूजे और कोई कहे कि अब शादी हुई और उसके बाद के चल काशी घूमी आए, तो पत्नी तो पहुंच गई काशी विश्वनाथ में और पति रह गए काल भैरव में। विश्वनाथ बाबा की धरा से कथा सुन रहे हो, बाबा विश्वनाथ की धरा से कथा सुन रहे हो और माँ गंगा के घाट पर बैठकर कथा सुन रहे हो। यहाँ से एक बात, जितने लोग आस्था पर कथा सुन रहे हैं, जितने लोग फेसबुक यूट्यूब पर कथा सुन रहे हैं, जितने लोग यहाँ बैठकर कथा सुन रहे हैं, उनसे एक ही बात कहूंगा कि जिंदगी में थोड़ा थोड़ा राजीनामा के अनुकूल जिंदगी जियो। पति अगर क्रोध वाला है तो पत्नी से कहेंगे तू थोड़ा राजी होकर जी, पत्नी क्रोध वाली है पति से कहेंगे थोड़ा राजी होकर जिंदगी जियो। ये जरूरी नहीं कि तुम अदालत में पहुंचोगे और निर्णय मिल जाएगा। अगर तुमने किसी से 25-30 लाख रुपए तलाक लेने का ले भी लिया ना भाई, 5 लाख, 2 लाख, 2-4 लाख, तो क्या करोगे उसका? ये तो विचार करो, उसका करोगे क्या? खुशी मिल सकती है क्या? जीवन का आनंद मिल सकता है क्या? थोड़ा धन ज्यादा मिल जाएगा तो आप जिंदगी का आनंद ले सकोगे? नहीं। जीवन का सही आनंद, कभी हमने पहले भी कहा, फिर कहते हैं, कभी आप मौका मिले, काशी के लोगों से भी निवेदन है, आपके काशी में कथा चल रही है, भीड़ भड़क के कारण अगर आप दिन में नहीं आ सकते तो रात में आकर कभी इस पंडाल का दर्शन करना, जिस पंडाल में लोग अलमस्त होकर भजन करते करते रात्रि भर शिव का गुणगान करते हैं। कभी विचार करिएगा। जिंदगी को जीने का प्रयास और जितना भिखारी और बीमारी इन दोनों को कोई बुलाता नहीं है, अपने आप आता। बोलो कौन कौन? जम के बोलो जरा। भिखारी और बीमारी इसको कोई निमंत्रण देकर नहीं बुलाता, कोई नहीं कहता आता भिखारी से भी कि तुम हमारे दरवाजे पर भीख मांगने आना, बीमारी से कोई कहकर नहीं आता कि कैंसर को घर पर आना, कि किडनी लीवर खराब कर जाना, बुखार से कोई कहकर आता, फीवर से कोई कहकर आता कि तुम मेरे घर पर आना, सिर दर्द को कोई कहकर आता, पेट दर्द को कोई कहकर आता कि तुम मेरे घर आना। भिखारी और बीमारी इनको कोई नहीं बुलाता, इसके बाद भी ये तुम्हारे घर पर पहुंचते हैं।
भिखारी भी तुम्हारे दरवाजे पर बिन बुलाया आ रहा है और बीमारी भी तुम्हारे दरवाजे पर बिन बुलाया आ रही है। भिखारी भिक्षा मांग रहा है, तुमने उसकी नींद सुनी, तुमने उसकी नींद सुनी तो वो थोड़ी देर तो खड़ा रहेगा, उसके बाद चले जाएगा, चले जाएगा। बोलो बोलो जरा जल्द चला जाएगा। तुम्हें क्या करना पड़ेगा? जब भिखारी तुम्हारे दरवाजे पर आया, बीमारी तुम्हारे दरवाजे पर आई, तो तुम्हें केवल एक काम करना है। भिखारी दिख रहा है कि ये आ रहा है, बीमारी दिख रही है कि मेरे पांव में घुटने में तकलीफ हो रही है, मेरे शरीर में गठान पड़ रही है, मेरा लीवर किडनी गड़बड़ हो रहा है, तो तुम्हें क्या करना है? भिखारी को भी देखो, तो एक काम करना कि थोड़ी देर तुम अंदाजा लगाकर देखना, अगर भिखारी तुमको मांगने के लिए पीछे पड़ जाए तो तुम थोड़ा तेज तेज भजन गाना चालू करना, सीताराम सीताराम राधे श्याम विश्वनाथ की जय हो, महाकाल राजा की जय, हर महादेव, चिल्ला चिल्ला कर जब जाने लगोगे भगवान का भजन करते हुए जाने लगोगे, भिखारी भी सोचेगा क्या पीछे लगू, तो चिल्ला चिल्ला पीछे नहीं लगेगा। तुम आज ही प्रैक्टिकल करना, काशी विश्वनाथ और ये बाबा भैरवनाथ के मंदिर जाते हैं तो वहां रास्ते में घना भिखारी पीछे पड़े, तुम आज प्रैक्टिकल करके देखना शाम की, बिल्कुल सियोर वाला महाराज ने गड़बड़ तो नहीं बोली दिया, तुम चेंज प्रैक्टिकल जरूर करो, प्रैक्टिकल करते रहना चाहिए, और जाते जाते जब वो तुम्हारे पास में आया कटोरा लेकर आया, तुम चिल्लाना चालू कर दो, और अपनी पत्नी साथ में, पति साथ में, तुम उनके साथ भजन गाना चालू कर देना, स्मरण करो और भजन गाते गाते जाते जाओ, भिखारी तुम्हारे पीछे पड़ेगा ही नहीं, एक रुपया मांगेगा ही नहीं, और तुरंत वहीं से वापस लौट जाएगा। तो सबसे बड़ा तरीका है भिखारी और बीमारी, ये दोनों को, ये दोनों बिना बुलाए आते हैं, पर इनको भगाने का एक तरीका है भगवान का भजन, बीमारी भी जाती है और बीमारी भी जाती है। तुम्हारी अविरल भक्ति जितनी भक्ति करो, दोनों दर्शन दुनिया वालों के यहां रोज जाओगे तो इज्जत कम होगी, पर मेरे बाबा के धाम, मेरे विश्वनाथ के यहां, मेरे महाकाल बाबा के यहां, मेरे कुबेर भंडारी के यहां, मेरे भगवान शंकर के मंदिर रोज जाओगे तो इज्जत बढ़ती चली जाएगी। सती को गलती कर रही है, सती को भगवान देवकी देव महादेव ने एक बार नहीं समझाया, बारंबार समझाया, और एक समय तो सती के सामने ऐसा खड़ा हो गया कि सती जाना चाहती और भगवान अब बोलना नहीं चाहते कि तू जा कि मत जा, शिवजी समझा समझा कर थक गए, सती मत जा, सती मत जा, हर बार शंकर भगवान कहते सती बार बार नहीं जाना चाहिए, पिता के घर बार बार नहीं जाना चाहिए, इज्जत नहीं होगी सम्मान नहीं होगा, बहन के घर बार बार नहीं जाना चाहिए, इज्जत नहीं होगी सम्मान नहीं होगा, मामा पापा बुआ फूफा के घर रोज रोज नहीं जाना, बेस्ट फ्रेंड के यहाँ रोज रोज नहीं जाना, इज्जत नहीं होगा सम्मान नहीं होगा, पर माने तब तो, माने तब तक जब से तेरा गुलाम हो गया तब से मेरा भी नाम हो गया, वरना वो बात क्या थी मेरी, सबसे बढ़िया ले सबसे करी। भगवान शिव के चरणारविंद की सेवा, भजन कीर्तन, स्मरण मंत्र जाप, ये नाम जाप, भगवान का कीर्तन, ये हमें सुख प्रदान करता है, ये हमें आनंद देता है। अब ये हमारे ऊपर है। अच्छा एक बात पूछे आप लोगों से, जरा उत्तर अच्छे से समझ कर देना, बंदूक डंडा बर्छी तलवार ये सब अपन क्यों रखते हैं, किस लिए रखते हैं? सुरक्षा के लिए। बोलो जरा जम के बोलो, काय के लिए रखते हैं? सुरक्षा के लिए। अब बंदूक तलवार बर्छी डंडे हम क्यों रखे? केवल सुरक्षा के लिए, केवल सुरक्षा, केवल सुरक्षा। महाराज हमने बंदूक रखी, तलवार रखा, बर्छी रखी, डंडे रखे, ये केवल सुरक्षा के लिए। और एक बात बताएं, यदि बंदूक रखी, तलवार रखा, बर्छी रखी, डंडे रखे, ये
आप मनुष्य से सुरक्षा कर सकते हो, जानवर से सुरक्षा कर सकते हो, पशु पक्षी से सुरक्षा कर सकते हो। परशु महापुराण की कथा कहती है कि यदि घर में माला रखी है, हाथ में माला रखी है, गले में रुद्राक्ष की माला रखी है, तो यह विश्वास कहता है कि आपको बर्छे, बंदूक और तलवार उठाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। क्योंकि अगर गले में माला है, हाथ में माला है, गले में, हाथ में और घर में अगर भगवान की माला विराजमान है, रुद्राक्ष की माला विराजमान है, तुलसी की माला विराजमान है, तो ये निश्चित है कि आपकी भक्ति बढ़ेगी। और भक्ति बढ़ेगी तो इस चीज की जरूरत पड़ने वाली नहीं है, आपके साथ स्वयं देव अधिदेव महादेव विराजमान है। क्यों उठाना? क्यों? ये सुरक्षा के लिए है। पर मूल सुरक्षा अगर देखी जाए, ये आत्म कल्याण की, ये मूल सुरक्षा जो आत्म कल्याण की है, वो महाराज केवल भगवान का भजन ही है। वो कहे, हे डमरूधर भोले शंकर, हम भी तुमको दिल दे बैठे। डमरू भोले शंकर, हम भी तुमको दिल दे बैठे। कम पहले से भी कम तो ना थे, और एक मुसीबत ले बैठे। डमरू भोले शंकर, भी तुमको दिल दे बैठे। जब एक भरोसा, एक विश्वास भगवान के चरणों में दृढ़ हो जाता है, तो फिर ना तलवार की जरूरत पड़ती है, ना बंदूक की जरूरत पड़ती है, ना डंडों की जरूरत पड़ती है। केवल अगर आपके पास में रुद्राक्ष की माला, तुलसी की माला है, तो तुम्हारे लिए तुम्हें तलवार या बंदूक उठाने की जरूरत नहीं पड़ती। तुम्हारे लिए त्रिशूल उठाने वाला देवाधिदेव महादेव विराजमान है। शिव है। तुम्हारे लिए भगवान शंकर विराजमान, तुम्हारे लिए शिव विराजमान। अगर एक भक्त भगवान का भजन करने वाला, भगवान का कीर्तन करने वाला, भगवान का मंत्र जाप करने वाला, भगवान का स्मरण करने वाला, यदि भगवान की भक्ति में डूबने वाला, यदि बात बात में तलवार और बंदूक उठाए, तो श्रेष्ठता नहीं है। भक्त के लिए तलवार और बंदूक मूल नहीं है, भक्त के लिए रुद्राक्ष और तुलसी की माला मूल है। जब वो माला उठाता है, तो महादेव त्रिशूल उठाता है। महाराज, आप अपना कर्म करो, उस कर्म में सफलता मिलेगी। एक सेठ जी थे, बड़े मोटे थे, बड़े मोटे, बहुत शरीर उनका मोटा पे था। धीरे धीरे वो बीमार हो गए, बीमार हो गए तो घर में रहने लगे, और घर में रहने लगे तो पलंग पर, पहले तो कुर्सी पर बैठते थे, अब कुर्सी पर ना बैठकर पलंग पर पड़े रहने लगे। पलंग पर पड़े 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 बहुत समय हो गया। उनका एक बेस्ट फ्रेंड मिलने के लिए आया। अब सेठ जी के पास धन बहुत था, पैसा बहुत था, वैभव बहुत था। अब दोस्त उनसे मिलने के लिए आया, और दोस्त ने कहा, क्या यार क्यों पड़े हुए हो, क्या कारण क्या है? अरे बस शरीर से बनता नहीं है, तो कामकाज कौन संभाल रहा है? सब नौकर संभाल रहे हैं, और बहुत अच्छे से संभाल रहे हैं। मुझे पूरा भरोसा है मेरे नौकरों पर, पूरा काम देख रहा है, इसलिए मुझे जाने की जरूरत नहीं पड़ती। मेरे नौकर सारा काम संभाल रहे हैं, सब देख रहे हैं मेरे नौकर। अच्छा, तो दोस्त ने कहा, तू कब तक शरीर के माथे पड़ा रहेगा या पलंग पर पड़ा रहेगा, तेरा शरीर काम नहीं कर रहा, नौकर के माथे पर? अरे मेरे नौकर बहुत अच्छे सब काम संभाल रहे हैं, मुझे कोई टेंशन नहीं, रत्ती भर की चिंता नहीं, मुझे क्या करना। अच्छा बस नौकरों के भरोसे पर रहे। सेठ जी पड़े हुए थे पलंग पर, तो मित्र ने कहा, मैं तूने अच्छे अच्छे डॉक्टर को दिखा लिया? हाँ, मैंने सारे डॉक्टरों को दिखाया पर आराम नहीं मिला, हजारों डॉक्टरों को दिखाया आराम नहीं मिला। मित्र ने कहा, मेरे गुरुजी ने एक उपाय बताया था शरीर अच्छा करने का। क्या? पर वो सुबह का उपाय है, बिल्कुल मॉर्निंग वॉक में सुबह के समय ब्रह्म मुहूर्त में तुझे अपना घर छोड़कर जंगल में जाना पड़ेगा, और जंगल में जाकर बाहर जाकर एक सोने का मोर देखकर आना पड़ेगा। उससे क्या होगा? सोने का मोर अगर देखकर आ जाएगा, तो ये मेरा वादा है, तो ठीक हो जाएगा।
बस इतना ही काम है, दवाई वाई नहीं लेना, बिल्कुल नहीं लेना। तू जा, सेठ जी को बताया, सेठ जी का वजन बहुत था, मोटा शरीर था। सेठ जी ने अपनी पत्नी से कहा, मैं सुबह जाऊंगा और सोने का मोर देख कर आऊंगा। और ब्रह्म मुहूर्त में उठ गया जंगल में घूमने के लिए, सोने का मोर ढूंढने के लिए गया। उसके मन में आया, सवेरे सवेरे जा रहा हूँ, मोर ढूंढने के लिए जा रहा हूँ, तो एक काम करता हूँ कि मेरे गाँव की फैक्ट्री तक होकर जाता हूँ। सवेरे सवेरे मॉर्निंग वॉक करता 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 सोने का मोर देखने के लिए अपने फैक्ट्री पर पहुंच गया। वहां जाकर क्या देखा, सारे के सारे नौकर आराम से सो रहे हैं, बैठे हैं, गप्पे मार रहे हैं, कोई काम नहीं कर रहा। उसने देखा कि रोज फाइल आती है और रोज फाइल आती है, उसमें लिखा रहता है कि नाइट ड्यूटी इतने की है, डे ड्यूटी इतने की है, और पैसा भी पूरा जा रहा है, और छह महीने से पैसा जा रहा है। और आके देखा तो नौकर तो सो रहे हैं और आगे आधे गप्पे मार रहे हैं, काम तो हो ही नहीं रहा। इतने में सेठ जी ने जाकर चिल्लाया, तो तुम यहाँ बैठकर गप्पे मार रहे हो, सो रहे हो, सब उड़ गए, काम पर लग गए, क्षमा मांगी, सब काम करने लगे, सब काम पर लग गए। सेठ जी ने सोचा अब एक काम करूंगा, रोज आते जाते देखूंगा। और सेठ जी हर दो दिन में सुबह सुबह उठते, दस जगह जाने की अपेक्षा अपने काम पर चले जाते, वहां देख कर आते रोज 8 किलोमीटर 7 किलोमीटर सोने के मोर को ढूंढने के लिए सेठ जी आने लगे। सेठ जी घूमते घूमते जाते अपने काम को भी देख लेते, फैक्ट्री को भी देख लेते, नौकरों को भी लगने लगा कि सेठ जी कभी भी आ सकते हैं, तो वो भी अपना काम करने लगे। सेठ जी जाने लगे और जाते 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 मॉर्निंग वॉक करते करते सवेरे सवेरे भ्रमण करते 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 सेठ जी के घुटने भी चलने लगे, शरीर भी चलने लगा, और बीमारी हट गई और सेठ जी ठीक होना प्रारंभ हो गए। एक सोने के मोर को सुबह केवल दर्शन करने का मन में विचार आया और सेठ जी का शरीर ठीक हो गया। जरा विचार करिए, अगर कर्म करने की रुचि होगी, कुछ पाने की रुचि होगी, तो ये निश्चित है। अगर शरीर में रोग है, बीमारी है, लोग कहते हैं सब कैंसर हो गया, लोग कहते हैं सब लीवर खराब हो गया, लोग कहते हैं सब किडनी खराब हो गई, लोग कहते हैं सब ये हो गया। अगर रोग आ भी गया, शरीर में कष्ट आ भी गया, तो इसको भगाने का तरीका ये नहीं है कि आप पलंग पर पड़ जाएंगे। इसका भगाने का तरीका है डॉक्टर इलाज करे, डॉक्टर अपना कर्म करे, तुम अपना कर्म करे। भगवान का स्मरण, शिव भक्ति, शंकर भगवान पर एक लोटा जल, एक बेलपत्र समर्पित करिए, जल का आचमन करिए, शिव भक्ति में डूबे रहिए, भगवान शंकर से प्रार्थना करते रहिए कि आपको अकाल मृत्यु का हरण करने वाला काल अधिपति महाकाल कहते हैं, आपको मृत्युंजय कहते हैं, आप सब कुछ कर सकते हो, क्या मेरा रोग नहीं मिटा सकते? जब आप कर्म करेंगे, भजन में लगेंगे, डॉक्टर अपना कर्म कर रहा है, आपको दवाई दे रहा है, गोली दे रहा है, औषधि दे रहा है, पर आप अपना कर्म जब करना चालू करेंगे, तो निश्चित है कि आप उस रोग पर भी विजय प्राप्त कर आगे बढ़ जाएंगे। ये निश्चित ये यहां पर कथा में समिति के अंदर केसरी जी भी बैठे हैं, ये बैठे हैं। मैं जब इनके हाथ में मैंने निशान देखा तो मैंने पूछ लिया कि आपका डायलिसिस अधिक होता है क्या? तो उन्होंने कहा गुरुजी शरीर का डायलिसिस किडनी लीवर गड़बड़ है। हमने पूछा कितना होता है? गुरुजी हफ्ते में 2-1 बार। फिर हमने पूछा भैया बताओ कि ये निधि दीदी कथा करवाई, उनका परिवार कौशल जी कथा करवाए और आप लोग सब सेवा में लगे हो, अब ईमानदारी से बोलना कि डायलिसिस होने की नौबत तो नहीं है? तो फिर कैसे जी मेरे को बोले गुरुदेव भगवान की ऐसी कृपा है, जिस दिन से शिव महापुराण की सेवा में लगा हूं, मैं खुद वाराणसी रहता हूं, काशी रहता हूं, पर बाबा ने मुझे सेवा का मौका दिया है, तो डायलिसिस कराने जाना नहीं पड़ रहा और बाबा की कृपा से काम करना चालू कर दिया, मेरी किडनी लीवर भी काम करना प्रारंभ कर दिया। ये यही बैठे हैं और ना इनको पहचानते हैं ना ये हमको जानते हैं, तो बस केवल काशी आए तो मिलना। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। और मैं आपसे भी कहूंगा जितने भी लोग आज तो कथा में अतिथिगण भी आए, हमारे अशोकनगर के सांसद महोदय के पी यादव जी भी आए हैं अभी, जिन्होंने कथा करवाई अशोकनगर में, और सपत्नी आप भी आए, तो ये नहीं कि क्या मिलेगा आपको शिव महापुराण में पहुंचने पर क्या मिलेगा, ये तो ये कथा विराम होने के बाद 3 महीने के अंदर ये काशी वाले भी जहां कथा हो रही होगी वहां पर कोटला बांधकर लेकर बैठेंगे। निश्चित कि 3 महीने में मेरा बाबा क्या देता है शिव महापुराण की कथा को श्रवण करने के लिए, आप आए जरूर, हो सकता है थोड़ी सी व्यवस्था नहीं हो पाए, नहीं हम आप लोगों को रुका सके, नहीं व्यवस्थाएं पूर्ण कर सके, पर भक्त लगे हुए हैं। कल मेरे को मालूम पड़ा कोई एक भक्त बिस्लेरी की बोतल लेकर आया और गाड़ी भर कर लाकर उसने यहाँ पर पानी बांटना प्रारंभ कर दिया, भक्त लगे हैं। फिर मालूम पड़ा कि कोई झोले में सब्जी और पूरी भर कर लाया और रात्रि को बांट कर गया, ये भक्त हैं, कहां से आ रहे, कौन आ रहा है, कैसे आ रहा है, कौन करके जा रहा है, जिंदगी भर कमाया है पर विश्वनाथ की नगरी में और विश्वनाथ की कथा में पहली बार लगाने का मौका मिला है, तो खाली नहीं रहोगे, 3 महीने के अंदर मालूम पड़ेगा कितना दिखाया कितना मिला। आपको बाद में मालूम पड़ेगा, हम तो कथा करते रह जाते हैं, हम तो चले जाते हैं, पर जब पत्र आना प्रारंभ होते हैं, जैसे ये पत्रों का ढेर लगा है, ऐसे पत्र जब आना प्रारंभ होते हैं, तो मालूम पड़ता है कि कथा रसत्व का क्या आनंद है, शिव महापुराण का क्या रसत्व का आनंद है।
उसकी मूल का शंभु शरणे मांगू घड़ी रे घड़ी दुख काटो दया करी निदर्शन आपो दया करी निदर्शन आपो। सती मैया को शिव जी समझा रहा सती मांग देव देव महादेव बार बार समझा रहे सती नहीं जाना चाहिए तुम्हें बार बार नहीं जाना चाहिए सती समझने को तैयार नहीं है। हाँ शिव महापुराण की कथा आप बार बार जाइए शंकर का मंदिर हो आप बार बार जाइए गुरु का द्वार हो आप बार बार जाइए परमात्मा की चौखट हो आप बार बार जाइए कहीं से अच्छा ज्ञान मिल रहा हो आप बार बार जाइए मना नहीं है आप भगवान की शरणागति में बार बार जाइए नित्य प्रति जाओ नित्य प्रति प्रार्थना करो नित्य और जितना जाओगे उसकी चौखट पर ये निश्चित है कई लोगों की अलमारी में कपड़े रखे हुए हैं बार बार निकालता है सोचता है गंदा हो जाएगा बाद में पहन लेंगे अभी मैं कथा में जाऊंगा और पानी आ रहा है और कीचड़ है और अगर सही बैठने की व्यवस्था नहीं मिली कपड़ा गंदा हो गया तो मैं बाद में पहनूंगा और उससे पहले निपट गया तो भी तो एक सोचने वाली बात है ना नर कपड़न से डरत है और नर कपड़न से नाय आज कपड़ों से डर लग रहा है कि कपड़ा गंदा हो जाएगा पर जरा विचार करो कि कपड़ा होता ही काय के लिए है कि तन पर धारण करा और भगवान के आगे जब दंडवत करा प्रणाम करा और कपड़ा जितना गंदा होगा शरीर उतना अंदर से शुद्ध होता चला जाएगा होता काय के लिए कपड़ा बोलो री दीदियों तुम्हारे घर के छोटे बच्चे जो 5 साल के हैं 6 साल के हैं 7 साल के हैं 10 साल के हैं 8 साल के हैं 9 साल के हैं उनके कपड़े क्या बच्चे खुद धोते हैं अरे बोलो री दीदियों नहीं हो सके काशी में ऐसा होता हो कि 4 साल के बच्चे से कहा जाए कि तेरे कपड़े धो 3 साल के बच्चे से कहा जाए कि तेरे कपड़े धो कहीं पर नहीं होता कि उसके कपड़े जब छोटे बच्चे के कपड़े गंदे होते हैं तो उसका माँ धोती है उसके पिता धोते हैं बाद बच्चे के कपड़े गंदे होते हैं तो माता पिता साफ करते हैं माँ बच्चे के गंदे तो कितने भी गंदे कर ले उसके माँ बाप साफ कर देते हैं उसी तरह भगवान कहते हैं संसार सागर में रहकर अगर ये तन गंदा हो गया तो मंदिर रोज जाना वहां तुम्हारा पिता बैठा है वहां तुम्हारी माँ बैठी है साफ कर दे साफ करने के लिए कई बार अपन लोग भजन में स्मरण करते आए हैं राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न हनुमत मेरी जूनर में राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न हनुमत मेरी जूनर में सरयू जैसी लहरा पाड़े ऐसी रंगो गुरुदेव चुनर निर्दय की बात कार्तिक का महीना गंगा माता का पावन तट और विश्वनाथ बाबा की आनंदमय धरा भाव से सभी भगवान से प्रार्थना करते हुए श्री शिवा नमस्तु 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 भोला सतगुरु काटो हार ओ भोला सतगुरु काटो हार शिव शंकर जब तेरी माला भोले बाबा जब तेरी माला भोला सब दुख काटो भार ओ भोला सब दुख काटो भार भगवान शिव माता सती को समझा रहे अच्छा कई लोग ऐसे मिलेंगे आपको संसार में वो समझाने का प्रयास करेंगे फिर भी नहीं समझ में आता जैसा खाया अन्न जम के बोलो जरा वैसा हो गया मन जैसा पियो पानी वैसी हो गई और जैसा पियो दूध वैसा बनता बुद्ध बुद्धि काय से बनती है डब्बे का पियोगे तो गोल हो जाओगे डब्बे जैसे और थैली का पियोगे तो थैली और गौ माता का दूध पियोगे तो गाय जैसे निर्मल होते चले
गौ माता जैसे निर्मल हो जाओ। गौ माता का दूध पान शिव कथा कर रहे हैं। सती मैया को समझाया गया, बार बार कहा गया, सती समझो जरा तुम मत जाओ, हर 8 दिन में 15 दिन में माता सती दक्ष प्रजापति के यहाँ पहुंच जाती है। उनको बार बार समझाते थे पर नहीं मानी। कितना समझाया जाता है, शिव महापुराण की कथा यहां तक कह रही है। गुरु बनाने से ज्यादा जरूरी है गुरु की बात को मानना। क्या जरूरी है? गुरु बनाने से ज्यादा जरूरी है, बोलो जल्दी बोलो, गुरु की बात को मानना। एक लोगों ने नियम बना रखा है कि गुरु बनाना है, गुरु बनाना है, गुरु बनाना है, गुरु बनाना है, पर महापुराण की कथा कर रही है कि गुरु बनाने से ज्यादा जरूरी गुरु के वचन को मानो। तो आप एक लोटा जल लेकर जब गुरु के वचन सुनकर, शिव महापुराण के संवाद को सुनकर, भगवान शंकर की कथा को सुनकर, भगवान शिव के वचन को सुनकर जब आप एक लोटा जल समर्पित करकर आते हो, शंकर भगवान को चढ़ाकर आते हो, सच बोलना, जितने भी लोग बैठे हैं आप लोगों से एक परिवार जैसा संबंध है कि हम भगवान शिव के परिवार के लोग हैं। एक लोटा जल चढ़ाकर आते हो तो हृदय में खुशी मिलती है कि नहीं मिलती? मिलती है ना, केवल जल चढ़ाने से मिल जाती है। एक पत्र आया है, देखिए उस पत्र पर मैं गुड़िया सिंह, गुड़िया सिंह बलिया उत्तर प्रदेश से आई हूँ। कहीं बैठी हूँ गुड़िया, तो दोनों हाथ हिलाकर आप देवदेव महादेव को प्रणाम करें, दोनों हाथ इस तरह से हिलाएं जहां कहीं भी गुड़िया बैठी हो। गुड़िया सिंह बलिया उत्तर प्रदेश से आई हूँ। श्री शिवाय नमस्ते, कहीं बैठी हो तो दोनों हाथ हिलाएं। गुरु जी दुनिया में दुख तो बहुत है, जीवन के अंतर्गत सबका निवारण मेरे देवदेव महादेव ने हल कर लिया। गुरुजी, मेरी बेटी का तबियत 2020 से खराब हो रही थी। बाबा, मेरी बेटी पहली बार जब बीमार हुई थी तो वह 5 दिन तक कोमा में चली गई थी। तब गुरुजी, मैंने श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करना प्रारंभ करा और निरंतर जाप करती रही, जाप करना नहीं छोड़ा, और मैंने आपके बताए हर उपाय को किया। तब गुरुजी, मैंने अपनी तरफ से कोई कसर नहीं छोड़ा और आपका बताया पशुपतिनाथ व्रत भी करना प्रारंभ किया। हमारे देवाधिदेव महादेव की कृपा से गुरुजी, मेरी बेटी जो कोमा में चली गई थी और जिसका डॉक्टर ने बिल्कुल मना कर दिया था, बाबा की कृपा से उसको होश आ गया, आईसीयू में रखा और फिर मेरी बेटी को छुट्टी करा दी। अब मेरी बेटी बिल्कुल अच्छी है, जल चढ़ाने जाती है और शिव जी को एक बेलपत्र चढ़ा रही है। ये शिव है, ये शंकर है, वो घड़ी है, दयालु। एक पत्र और है बड़ा सुंदर, पहले तो धन्यवाद जिन्होंने कितना सुंदर शिव जी का स्वरूप बनाकर भेजा है, उनको कॉपी कॉपी साथ में। मेरा नाम गीता देवी है, मैं आरा बिहार की रहने वाली हूँ। कहीं बैठी हो गीता देवी तो दोनों हाथ अवश्य हिलाइए जहां कहीं बैठी हो। मेरा नाम गीता देवी है, मैं आरा बिहार की रहने वाली हूँ। मेरे दामाद नौकरी का बहुत प्रयास करे पर उनकी नौकरी नहीं लग रही थी। मुझे टीवी के माध्यम से आपके और पशुपति व्रत के बारे में पता चला, उसके बाद मैंने शिव जी से मन्नत मांगी और अगर मैं सच्चे मन से पशुपति व्रत करती हूँ तो मेरे दामाद की नौकरी लग जाए। उनके उसके बाद मैं गुरुजी के कथा निरंतर सुनती रही हूँ। बेटी और दामाद के साथ आऊंगी, मैंने बाबा से विनती करी थी। बाबा से कहा, पशुपति व्रत प्रारंभ किया और पशुपति व्रत शुरू की और खत्म होते होते मेरे बाबा की कृपा देखिए गुरुदेव कि दामाद की नौकरी दरोगा में लग गई और मेरा दामाद नौकरी करने लगा। मैं बेटी और दामाद के साथ यहाँ प्रणाम करने आया हूँ। जहां कहीं भी बेटी हो, देवाधिदेव महादेव आपकी मन की कामना पूर्ण करे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। अब शिव भक्ति में भगवान शंकर की उपासना में, शिव की स्मरण में जो लगे हुए हो, शंकर की भक्ति में जो लगे हुए हो, रमे हुए हो, खाली नहीं जा सकता, इसमें कुछ ना कुछ प्राप्त जरूर होगा, निश्चित है मिलेगा। खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे, खाली न जाता कोई
दर से तुम्हारे मैं भी खड़ा हूँ नंगी बाहें पसारे, मैं भी खड़ी हूँ नंगी बाहें पसारे। अपने हृदय से लगा लो लगा लो, गिरा जा रहा उठा लो, भोले अपने दर से अब तो न डालो, गिरा जा रहा उठा लो। उसके दरवाजे से कोई खाली नहीं, केवल निर्मल भक्ति, विश्वास, दृढ़ता, भरोसा, एक निश्चित होना। अगर भरोसा दृढ़ निश्चित है तो बाल बांका नहीं मिल सकता। अकाल मृत्यु हो मरे जो काम करे चंडाल का, काल उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो महा। जो शिव का उपासक शंकर की भक्ति में जो डूबने वाला हो उसको क्या मिले। बारंबार समझाने के बाद भी सती मैया नहीं मानी, गई पहुंची और जाकर माता सती ने पहुंचकर माता सती ने सबका स्थान देखा, बैठने का सबका स्थान था, सब लोग बैठे हुए थे। भगवान विष्णु भी बैठे हैं, ब्रह्मदेव भी बैठे हैं, इंद्रदेव भी बैठे हैं, सब बैठे थे। पर माता सती को अगर नजर नहीं आया तो शिवजी के बैठने का स्थान नजर आया। सारी दुनिया में जाना, वहां जाकर बैठने की जगह ढूंढना, स्थान ढूंढना, पर एक शंकर का मंदिर, एक शिव महापुराण की कथा और एक शमशान, ये तीन जगह पर बैठने की जगह ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ती। जहां मिल जाए वहां बैठा जाता है। शिव पुराण, शिव का मंदिर और शमशान। आप में से कितने लोग हैं जो शमशान में जाकर भी जगह ढूंढते हो बैठने की? कोई ढूंढता है? नहीं। मुर्दा जलाने आए हैं, मुर्दे को लेकर आए हैं, शव को लेकर आए हैं, शव को जलाने के लिए चिता पर रख दिया, जहां जगह मिल गई वहां बैठ गए, जहां जगह मिल जाए वहां बैठ। कभी मुर्दे ने उठकर कहा कि तुम अच्छी जगह नहीं बैठे हो, मैं नहीं चलूंगा। कभी मुर्दा बोला हो कि तुम अच्छी जगह नहीं बैठे हो, मैं नहीं चलूंगा, ऐसा मुर्दा चित करा? नहीं। कभी शंकर भगवान ने कहा कि तुम यहां बैठो तब मैं दर्शन दूंगा? राम भगवान, कृष्ण भगवान, जगत जननी जगदम्बा, अन्नपूर्णा, इन जितने भी देवी देवताओं के मंदिर में जाओगे सामने से दर्शन करना पड़ेगा। शिव मंदिर में, काशी विश्वनाथ के मंदिर में जाइए, जहां से घूमकर दर्शन करना हो कर लीजिए, हर जगह से मिलेगा, जहां तुम्हारी मर्जी पड़े। और उसने तो ये तक कह दिया मेरे विश्वनाथ जी ने कि मैं अगर मान लो किसी कारण से ये वाले दरवाजे से दर्शन नहीं हो, वो वाले दरवाजे से दर्शन नहीं हो, इधर वाले दरवाजे से दर्शन नहीं हो, तो भोलेनाथ जी कहते हैं अगर दरवाजा बंद भी हो तो टेंशन मत लेना, मेरे शिखर का दर्शन कर लेना, मैं वहीं पर बैठ जाऊंगा। कि तुम क्यों परेशान हो रहे हो? या और सुनो, अगर मान लो शिखर तक भी नहीं पहुंच पाए तो ये गंगा की लहरें मेरे पास तक पहुंचती हैं। कोई तो गंगा का जल भर के ला रहा होगा, तुम नहीं आए तुम्हारा भाई आ रहा होगा, भाई नहीं आया तो कोई वाराणसी का, काशी का कोई विद्वान गंगा का पानी तो भर कर लाएगा। तू अपने दिल की बात, जैसे पोस्ट ऑफिस का जो डब्बा होता है, तुम वाराणसी में रहो चाहे कहीं रहो, चाहे मुजफ्फरनगर रहो चाहे दिल्ली रहो, पत्र पेटी में डाल दो, एड्रेस लिख कर, वो पत्र पेटी से निकल कर बड़े डाकघर में जाएगा, डाकघर से छटकर फिर तुम्हारे नगर में जाएगा, नगर में छटकर डाकघर से फिर तुम्हारे दरवाजे पर जाएगा। गंगा मैया का काम केवल एक ही है, तुम्हारे दिल की बात महादेव से निकालकर गंगा का काम। अब दिल से उससे कहते क्यों नहीं, और क्या बताएं, दर्शन करने जाएं और चले तो जाएं, पर हम जब आते हैं तो कथा में बैठने की जगह नहीं।
तो गंगा मैया आपसे निवेदन है, आप जब वहां तक जा रही हो ना तो हमारे बाबा से कह देना, बाबा मैं भी आई हूँ और बाबा ऐसी कृपा करना, ऐसी करुणा करना कि जिस कार्य के लिए मैं आई हूँ बड़ी आस और विश्वास लेकर आई हूँ, मेरी झोली भी खुशियों से भरना। गंगा जी जाकर शिव जी से कह देगी कि कोई आया था, आप विनय करें, निवेदन करें, विनती करें, आप कहें अरे तेरा ही दिया मैंने काया पिया रे, तेरा शुक्रिया रे, तेरा शुक्रिया रे, ये तेरी कृपा से मिला। चाय बनाना किसको आती है? सबको चाय में दूध का क्या डाला जाता है? जम के बोलो जरा, चाय में दूध क्यों डाला जाता है? अब आप सबको आती है तो बोलो, तुम ही तो बोली कि हमको तो आती, तुरंत हाथ खड़ा कर दिया। तब बता कि चाय में दूध क्यों डाला जाता है? तो कहोगे महाराज जी दूध डालने से चाय थोड़ी सी गाढ़ी हो जाती है और स्वाद बोलो 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 अच्छा आ जाता है। पर तो स्वाद अच्छा आ जाता है तो इसलिए दूध डाला जाता है? नहीं, चाय की पत्ती कड़वी होती है, उसको उकालोगे, शक्कर कितनी भी डाल लेना, चाय पियोगे मुंह तोरा तोरा हो जाएगा अगर दूध नहीं होगा। दूध का काम है चाय की पत्ती की कड़वाहट को, कड़वेपन को दबा देना। ये दूध का काम होता है कि कड़वेपन को दबाता है दूध, इसलिए चाय में दूध मिलाया है कि चाय कड़वी ना लगे, चाय में कड़वाहट ना, इसलिए दूध उसमें मिलाया जाता है कि कड़वापन समाप्त तो हो जाए। अब तुमने जिसको चाय में मिलाया दूध को छाना, छानने पर दूध को अलग फेंका कि चाय की पत्ती को अलग फेंका? बोलो बोलो जमके, चाय की पत्ती को अलग फेंका, क्यों? ये कड़वा है, ये कड़वी है और दूध कड़वाहट को कम कर रहा है, इसलिए दूध को उसमें रखा, चाय की पत्ती को छान कर बाहर फेंक दिया। शिव पुराण में वही कहती है, भक्ति का दूध हमारे चलते हुए जीवन में बनती हुई चाय में संसार सागर में मिलाकर रखिए, बुराई की पत्ती को छान कर बाहर फेंकते जाओ, चाय का स्वाद आ जाए, चाय का स्वाद प्राप्त हो जाए। केवल बुराई की पत्ती को बाहर फेंकना, निंदा की पत्ती को बाहर फेंक दो, बुराई की पत्ती को बाहर फेंक दो, अहंकार की पत्ती को बाहर फेंक दो, काम लोभ कृष्णा वासना की पत्ती को बाहर फेंक दीजिए, स्वाद अपने आप बढ़ जाएगा। स्वाद बढ़ने में देरी नहीं है, स्वाद बढ़ेगा और आप रूप बढ़ेगा। ये दूध का काम है स्वाद बढ़ाना, भक्ति का काम है शंकर भगवान से मिलाना। आप कहीं पर भी रहिए, कहीं पर भी तुम्हारी जहां मर्जी पड़े वहां रहो, और निवेदन है एक लोटा जल शंकर भगवान को चढ़ाते रहो, एक बेलपत्र एक चावल का दाना शिव जी को चढ़ाते रहिए, 15 दिन 20 दिन 1 महीना 2 महीना 4 महीना 3 महीना 6 महीना तुम भगवान शंकर की भक्ति कर देखिए। ये मेरा विश्वास कहता है काशी नहीं भी आओगे और विश्वनाथ वहां आकर दर्शन देकर जाएगा। आहों में असर होगा, घर बैठे बुला लेंगे, तुम रूठे रहो भोले हम तुम्हें मना, कहीं पर भी रहो हम तुम्हें मना ही लेंगे, ये निश्चितता। बैठो बैठो अभी देंगे भाई, बैठ बैठ, ये हमारी निश्चितता है, वो कहीं पर भी होगा मिलेगा। तीन मित्र, तीनों मित्रों में लड़ाई हो गई, तीनों मित्रों में लड़ाई हो गई, एक राम जी को माने, एक कृष्ण जी को माने, एक शंकर जी को माने। तीनों ने कहा, एक बोला मैं अभी भगवान को बुला सकता हूं, दूसरा बोला मैं भी बुला सकता हूं, तीसरा बोला मैं भी बुला सकता हूं। बुला तो पहले ने कहा, हे राजा राम पधारो, हे अयोध्या नरेश पधारो, हे अवध नरेश पधारो, मैं आपका भक्त हूं, दिन रात सेवा करता हूं, पधारो। दूसरा बोला राम जी नहीं आए तब कृष्ण, हे द्वारकाधीश, हे मथुराधीश, हे द्वारिका के राजा, हे रणछोड़ राय, हे राजा अधिराजा, हे द्वारकानाथ पधारो, मैं आपका भक्त हूं, आइए प्रभु भगवान। तीसरे ने कहा, बोला ने कह दिया, कंकर शंकर मेरा बोला। शंकर जी सामने प्रकट हो गए, थोड़ी देर बाद राम जी आ गए, थोड़ी देर बाद कृष्ण जी आ गए। अब भक्तों ने कहा राम जी वाले ने कि प्रभु हमने पहले बुलाया तुमको, तुम इतनी देर कैसे कर दी आने में? राम जी बोले तूने कहा था अवध के राजा आइए, अब राजा को ऐसे तो आ नहीं सकता है, प्रजा को साथ लेकर राशि ठाट से बग्घी घोड़ा हाथी पालकी सब लेकर चलेगा तब तो राजा पहुंचेगा। है अगर कोई राजा आता है, कोई बहुत प्रतिष्ठित व्यक्ति आए तो 2-4 गार्ड ये वो सब लेकर चले। तो भगवान बोले मेरे को आने में थोड़ा, तुमने एकदम बोला कि द्वारका अयोध्या के राजा पधारो अवध नरेश पधारो, तो थोड़ा आने में टाइम हो गया, इतने में भगवान कृष्ण गए। भक्त ने कहा द्वारका नाथ तुम इतने लेट कर, भगवान बोले मैं द्वारका का नाथ हूं, राजा हूं, राजा भाई ऐसे चले जाएगा।
बड़ा घाट देखना पड़ता है, काम वाम सब देखकर प्रजा को साथ लेकर प्रशासन को साथ लेकर कब चलना पड़ता है। अच्छा तो ये शंकर जी जल्दी कैसे आ गए? तो ये कहीं के राजा नहीं, ये तो कैलाश पर रहते हैं। और जहां के ये राजा हैं, चाहे वो काशी हो चाहे वो उज्जैनी हो, जहां के भी ये राजा बनकर बैठे हैं, पहले इनसे पूछो कि तुम राजा कहां के हो। तो शंकर भगवान से पूछा, तुम काशी में रहते हो, काशी के राजा? तो भगवान शंकर बोले, पहले ये काशी का नाम नंदन वन था, मैं नंदन वन का राजा, मतलब वन का राजा, महाकाल वन के राजा, महाकाल है वन के राजा। अब वन में तो कोई प्रजा मर्जा होती नहीं है, जब कोई बुलाए तुरंत टूट पड़ो। शंकर भगवान ने कहा, हमको जैसे ही कोई बुलाता है रहा नहीं जाता है, आंखें भले बंद रहती है पर हम तुरंत वही कूद कर पहुंच जाते हैं जहां जाते हैं। शिव साधारण आनंद में रहने वाले, तुमने जैसे बुलाया सारी समस्या का हल एक लोटा दिल से चढ़ाओ। दिल कई लोग दिखावा कर चढ़ाएं चार छह लोगों को जब तक नहीं बता दें, और 25 लोगों को जब तक डोंडी नहीं पीट दें तब तक जल नहीं चढ़ाएं तो कोई मतलब का नहीं। जल चढ़ाओ, दिल से चढ़ाओ, दिल से कहो मेरे बाबा को कि मैं तेरा और तू मेरा है। तुम दिल से कहो, दिल से अरे महाराज, जब हृदय से कहोगे, दिल से कहोगे, भाव से कहोगे तो वो सुनता जरूर है। शिव महापुराण की कथा कर रही है, अपनी बुद्धि को अपने चित्त को अपने व्यवहार को भगवान शंकर में जोड़ने का प्रयास करो। बुद्धि भटकेगी जरूर, चित्त गलत जगह पर जाएगा जरूर, ये चित्त गलत मार्ग पर भी जाएगा, ये बुद्धि गलत मार्ग पर भी जाएगी, पर इसको खींच कर सही मार्ग पर लेकर आओ। ध्यान दीजिएगा, हमारे संपूर्ण जीवन में हम जीवन जीते हैं जैसे एक नारी, एक स्त्री, एक महिला, जैसे रजस वाला धर्म में होती है, नारी का रजा धर्म होता है, रजो धर्म में नारी पूजन की वस्तु को नहीं छींची है, 7 दिन तक नारी पूजन का काम नहीं करती है, 7 दिन तक नारी रजो धर्म के समय पर एकांत में जाकर बैठती है, अलग बैठती है, किसी समान को नहीं छूती, मौन होकर अपने कार्य में लगी रहती है। उसी तरह जैसे नारी का रजो धर्म आता है, स्त्री का रजस वाला धर्म आता है, उसी तरह हमारी बुद्धि का भी रजो धर्म आता है। हर 2 महीने में 3 महीने में हमारी बुद्धि भी 7 दिन के लिए बेकार हो जाती है, फिर लोग कहते हैं विनाश काले विपरीत बुद्धि, ये क्यों हो जाती है? समझ लो कि हमारी बुद्धि सही मार्ग पर नहीं चल रही, गलत जगह पर जा रही है, गलत लोगों में बैठ रही है, गलत जगह पर पहुंच रही है, गलत बातें कर रही है, दुनिया के लोगों के लिए गलत विचार जा रही है। ये बुद्धि जब गलत सोचने लगे, गलत मार्ग पर चलने लगे, गलत विचार आने लगे, समझ लेना कि बुद्धि का रजोस्वला धर्म आ गया। तो क्या करना है तुमको? रजस्वला धर्म वाली नारी एक जगह पर चुप मौन आसन लगाकर कोई छुआछूत नहीं, पर कोई चीज नहीं छूना, चुपचाप आकर बैठ जाती है। जब बुद्धि काम ना करे, गलत मार्ग पर जाए, गलत विचारों में जाए, निंदा में जाए, चुगली में जाए, अपशब्दों में जाए, तब एकांत में शिव महापुराण चालू कर लेना मोबाइल पर और 3 घंटे की कथा सुनकर अपनी बुद्धि को सुधारने का प्रयास करना। बुद्धि जब काशी में कावड़िया आ गए, अरे बोलो तो जमकर कावड़िया आ गया काशी में, सब कंधे पर कावड़ ले लेकर गंगा मैया ले लेकर बाबा विश्वनाथ को चढ़ाने के लिए भाव से। सब कुछ लाया, सब लेकर आया। कोई कहता है कि भगवान शंकर को चढ़ाने के लिए गंगा जल लाया है, कोई कहता है भगवान शिव को चढ़ाने के लिए कोई भेंट, कोई माला, कोई बेलपत्र लाया है। शिव महापुराण की कथा कहती है, जब कावड़िया 2 पांव चलकर भगवान के मंदिर तक जाता है, वो जल लाया कि नहीं लाया, पर इतना जरूर है कि हृदय लेकर शिव जी को चढ़ाने के लिए आता है। हृदय दिल लेकर सती मैया समझा समझा कर शिव जी हार गए। सती मैया राजा नहीं हुई, पहुंच गई दक्ष प्रजापति के यहाँ। वहां सभा में सबका स्थान देखकर थोड़ा सा क्रोध जागा, क्रोध जागा। एक बेटी ने बहुत अच्छा प्रश्न किया था मंसूर की कथा में, गुरुदेव हम क्रोध नहीं करना चाहते तो भी क्रोध क्यों आ जाता? कारण क्या है? शिव महापुराण की कथा कहती है, जब अहंकार अभिमान की सीमा बढ़ती है, अभिमत्ता की सीमा बढ़ती है, तब क्रोध झलकने लगता है।
क्रोध झलक के। कल की कथा में कहा था आप लोगों को, आप सभी ने श्रवण करा होगा, दूध का घड़ा है तो दूध झलकेगा, तेल का घड़ा है तो तेल झलकेगा, पेट्रोल का घड़ा है तो पेट्रोल झलकेगा, भक्ति का घड़ा है तो भक्ति झलकेगी, क्रोध का घड़ा है तो क्रोध झलकेगा, अहंकार का घड़ा है तो अहंकार झलकेगा। ये घड़े के अंदर भरा क्या है उससे प्रतीत होता है कि झलकेगा। बैठो आप किसी के साथ थोड़ा देर का सत्संग करिए, आप थोड़ा देर बैठिए, थोड़ी देर का सत्संग धारण करिए, आप किसी के साथ थोड़ा बैठने का प्रयास करो, आपको थोड़ी देर में झलक लगने लगेगी कि इसके अंदर क्या भरा हुआ है। भजन करने वालों के साथ बैठोगे तो थोड़ी देर में वो जब फालतू बैठी रहेगी ना, तुम देखना यहाँ पर जब कथा पूरी हो जाती है तो माताओं को देखना, जब फालतू बैठी रहती है तो चालू हो जाती है। माता सती को बारंबार कहा गया, और जब माता सती को समझाने के बाद भी माता सती नहीं मानी, तब वहां पहुंचकर स्थान ना देकर क्रोध प्रकट हो गया। क्रोध किस किस कारण से आया कि मैं इस घर में मेरी इतनी सत्ता थी और आज मेरा विभव समाप्त हो गया, क्रोध खड़ा। ध्यान देना मेरी बेटियां, मेरी बहनें, मेरी माएं, मेरी माताओं, मेरी दीदियों, जीजियों, ध्यान देना, मायके जाओ मना नहीं है, पर शादी के बाद ज्यादा हस्तक्षेप नहीं करना। जाओ सुने तो कहो, स्वीकार करे तो कहो, माता पिता को कष्ट हो तो कहो, ज्यादा हस्तक्षेप करने पर बाद में आपका सम्मान घटे ऐसा ना करो। आपकी वाणी की अगर कीमत रहे तो श्रेष्ठता है, श्रेष्ठता। हमने पहले भी कथा में कहा, पहले दिन कथा के माध्यम से जब लगा कि कथा की व्यवस्था नहीं हो पा रही, तब आदरणीय सतुआ बाबा जी को हमने खबर करी, फिर आदरणीय सांसद महोदय केपी यादव जी को खबर करी, फिर इन्होंने दिल्ली खबर करी, आदरणीय मुख्यमंत्री जी को खबर करी, यहाँ के योगी जी को, फिर विश्वनाथ की कृपा आदरणीय योगी जी पर ऐसी हुई, फिर उन्होंने बाबा से विनती कर यह आयोजन को आयोजित करा। इस सबकी प्रबलता से हमको तो लग रहा था मुश्किल होगा कि काशी में कथा हो, व्यवस्था हो, पर बाबा ने साधा। शिव कृपा बिना कुछ नहीं हो सकता, जहां पर प्रेम है और मेरा विश्वनाथ जहां पर विराजमान है वहां किसी की नहीं चलती, चलती केवल मेरे विश्वनाथ की है, किसी की नहीं, केवल एक विश्वनाथ बाबा की चले। महाराज देखा सती मैया का क्रोध जो उपजा, शंकर भगवान को भी क्रोध आया क्योंकि सती तूने एक गलती कर दी, एक तो अपने पिता के यहां जाने की जिद करी, दूसरा तू अगर जलकर भस्म हुई तो क्रोध की अग्नि में जलकर भस्म होना था, तू यज्ञ की कुंडी में क्यों कूद। इस यज्ञ कुंड में तू कूदी क्यों है? हमारा सनातन धर्म कहता है, हमारा सनातन धर्म वर्णन करता है, कोई अच्छा कार्य हो रहा हो, धार्मिक आयोजन हो रहा हो, अच्छा आयोजन हो रहा हो, राष्ट्र स्थान का कार्य, धर्म का कार्य हो रहा हो, बन सके तो हाथ बढ़ाओ, टांग बताओ, बन सके तो हाथ बढ़ाओ, जितना बन सकता है उतना सहयोग करने का प्रयास करिए, जितना बन सकता है उतना सहयोग दीजिए, उतना टांग बताओ। कुछ दिल से, हृदय से बाबा से कहना। शिवजी को क्रोध आया और शंकर भगवान ने कहा, सती अगर तुझे प्राण त्यागना ही थे तो यज्ञ के कुंड में क्यों त्याग दिया, तुझे मरना ही था, प्राण छोड़ना ही था, कहीं जाकर छोड़ दे, पर तू यज्ञ के कुंड में क्यों गई, ये तेरी गलती है सती, ये तूने गलती करी है। घर में सत्यनारायण भगवान की कथा हो रही हो, अभिषेक हो रहा हो, पूजन हो रहा हो, कई लोगों की आदत रहती है वो मुंह फुला कर बैठ जाते हैं, भगवान जैसा मुंडा बनाकर बैठ जाते हैं। मेरी ऐसी जीजियों से निवेदन है, चंद्र घंटाओं से, ऐसे लोगों से मेरा निवेदन है, कई बेगों से भी ऐसा निवेदन है मेरा कि घर में अगर शुभ कार्य हो रहा है, यज्ञ हो रहा है, सत्यनारायण भगवान की कथा हो रही है, अनुष्ठान हो रहा है, पूजन हो रही है, बन सके प्रसन्नता चेहरे पर होना चाहिए। जो भगवान के काम में, भगवान की कथा में, भगवान के कार्य में, धर्म के कार्य में, सनातन धर्म के कार्य में जो मुंह सड़ाता है उसका मुंह सड़ने में देरी नहीं लगती,
ध्यान रखना। भगवान के कार्य में, शिव महापुराण की कथा में, भजन में, कीर्तन में कभी मुंह मत बनाओ। अगर तुमने मुंह बनाया तो उसने तुमको अच्छा ही बना दिया, फिर सवरना मुश्किल। कभी मुंह नहीं बनाना, कभी मुंह नहीं बनाना। भगवान के कार्य में, तुम्हारे घर में भी अगर कोई तीज की व्रत, चतुर्थी का व्रत, पंचमी का व्रत, कोई भी व्रत आए, आप प्रसन्नता में करिए। अभी अभी ये दो एक दिन में शायद आने वाली होगी करवा चौथ, भले हाँ हम तो पहले से भी कहते आए कि करवा चौथ का व्रत करो, पर निवेदन है कि भूखे रहने से पति की उम्र नहीं बढ़ती, जितना तुम्हारे मीठे बोलने से पति की उम्र बढ़ती है। तुम एक दिन भूखा रह लेते हो और चांद में मुख देख लेते हो चलनी में और सोचते हो पति की उम्र बढ़ जाएगी, पति की उम्र नहीं बढ़ती। पति उस दिन तुम जब उसके चरण छूती हो, तुम चरण छूती हो, वो चांद को देखकर पति हाथ जोड़कर कहता है इसको परमानेंट ऐसी क्यों नहीं बना देता। जैसी आज है सिर्फ पल्लू मल्लू लेके धूप लगा रही, चलनी में मुंह देख रही, मेरी आरती उतार रही, ऐसी रोज क्यों नहीं कर देते महाराज, इसको क्यों नहीं ऐसा दिन। क्यों भूखे रहने से पति की उम्र नहीं बढ़ती है, पति की उम्र बढ़ती है तुम्हारे मीठे बोलने से, पति की उम्र बढ़ती है तुम्हारे आदर के शब्द सुनने से। तुम जब शब्दों का संबोधन करते हो तब अपना बोलने का तरीका बदल देते हो तो आदर टेंशन में, डिप्रेशन में पड़कर उसका बीपी और शुगर सब ऊंचा नीचा होने लगता है। और केवल मैं पत्नियों के लिए नहीं कहूंगा, पतियों से भी निवेदन है, जितना समय आप घर में रहें, जितना समय आप परिवार में दें, उतने समय पर आपके चेहरे पर क्रोध नहीं होना चाहिए। जरा सा क्रोध माता सती ने करा था, हवन कुंड में कूद कर प्राणों को त्याग दिया, जरा सा क्रोध भगवान शंकर को आया तो सती को श्राप दे दिया, ए सती तू यज्ञ की कुंडी में कूद कर प्राणों को त्यागी है, मैं तुझे श्राप देता हूँ कि तू कोयल का जन्म पाए। इतनी जल्दी मुझे नहीं मिल पाएगी, तुझे कोयल का जन्म मिलेगा सती, क्योंकि तू अपने क्रोध के कारण अच्छे चारे में, तुझे आगे बढ़कर काम करना था और तूने अच्छे चारे को खंडित कर दिया और अग्नि कुंड में कूद कर प्राणों को त्याग दिया। पद मिले, कुर्सी मिले, सत्ता मिले, जिस पोस्ट पर तुम रहो उस कुर्सी का सदुपयोग करने का प्रयास करना। अगर कुर्सी का सदुपयोग करते रहोगे तो ये निश्चित है उस कुर्सी से कोई तुम्हें उतार नहीं सकता। उसका सदुपयोग करो, सत्ता का सदुपयोग करो, अपने वैभव का सदुपयोग करो। करा सती मैया कूदी हिमालय राज के यहाँ पे कोयल का जन्म हुआ। कोयल के जन्म के बाद में दो आषाढ़ पड़े, कोकिला अधिक मास पड़ा, उसने उसने शिव जी की आराधना करी माता ने, तब हिमालय राज के यहाँ मैनावती के गर्भ से पार्वती के रूप में अवतरित हुई और पार्वती के रूप में अवतरित हुई तब भगवान शंकर की अर्धांगनी बनती है, शिव दूल्हा बने, पार्वती दुल्हन बनी, शंकर जी बना बने, पार्वती जी बनी बनी बना और बनी। इन दोनों का संबंध है कि दोनों में आपस में